हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है एक इंपॉर्टेंट सेशन है. सेशन है 2019 NDA-2 के लिए. मैंने इसका एक नोटिफिकेशन भी दिया था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि जो जो आपके रिलेटेड डाउट हैं, क्योंकि इस समय NDA-1 का एग्जाम आने वाला है 21 अप्रैल को और उसका बैच भी चल रहा है, IIT का भी एग्जाम है, तो कई बार आप लोगों से बात नहीं हो पाती. ऐसे में मैंने आपको एक नोटिफिकेशन डाल के आपकी क्वारीज पूछी थी. आप लोगों के जो जो डाउट्स थे वो सारे सेशन में कवर किए जाएंगे. न्यू बैच कब से है, ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, ऑनलाइन प्लस क्लासरूम कोर्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा. क्योंकि इस बार देखिए, जब हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर केवल 3 मंथ्स मिले थे. फिर उसके बाद सितंबर के बाद अप्रैल के लिए 6 मंथ से ज़्यादा मिले. बट इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है NDA-2 में. आप सोचिए कि आपके पास अभी से, क्योंकि मेरी जब बच्चों से बात होती है तो बहुत सारे जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट थे स्पेशली, उन्होंने NDA-1 का एग्जाम ही नहीं फिल किया. पहले हमारे बैच का प्लान मई में था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे 12th वाले बच्चे जो हैं वो NDA-1 21 अप्रैल के बाद ही फ्री होंगे. पर जब आप लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि सर हम लोगों के एग्जाम होगा और हमने NDA-1 के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए फॉर्म फिल नहीं किया, इसलिए इस बैच को हमने प्रीपोन करके 8 अप्रैल करा. अब इसका सेकंड बैच जो होगा, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं अप्रैल वाला, उनके लिए मई में होगा, 20th मई को. तो अभी ये जो 8 अप्रैल है, जिसके लिए बच्चे इनफैक्ट आने भी लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 21 अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी आ गए इस बैच के लिए. तो मैं इस बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. उसके पहले जो आपने डाउट पूछे थे वो बता दूं. नंबर 1, NDA-2 का जो एग्जाम है वो 17 नवंबर को है इस बार, यानी नवंबर के भी थर्ड वीक में है. एक बात. दूसरी बात, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म जो होंगे उसकी फिलिंग होगी डेट 7 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, राइट? 7 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक. और इसकी एज क्राइटेरिया है 2 जनवरी 2001 वाले. आप में से बहुत लोगों ने एज वाली प्रॉब्लम पूछी थी. 2 जनवरी 2001 टू 2 जनवरी 2004 के बीच में, यानी जो बच्चा 2 जनवरी 2001 या 2 जनवरी 2004 के पहले का, वो इसके लिए एलिजिबल है. आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उन्होंने पूछा था सर अब हम क्या कर सकते हैं. तो याद रखिए, डिफेंस में जाने का रास्ता केवल NDA-NA नहीं है. NDA-NA के बाद भी हमारे पास एक CDS बहुत अच्छा एग्जाम है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं. दूसरा, टेक्निकल एंट्रीज होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप एक्स ग्रुप, बाय ग्रुप, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं. तो अभी मेरा ये जो फोकस है वो NDA-2 के लिए, और NDA-2 वाले बच्चों को मैं सारे एग्जाम दिलवाने वाला हूँ इस बार. तो अब इस बैच के बारे में पहले बता दूं कि हम क्लासरूम कोर्स का फर्स्ट बैच जो है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं. इस क्लासरूम प्रोग्राम में सबसे पहली चीज, एवरीडे क्लास होती है मंडे टू सैटरडे. इम्पिटस में ऑफ नहीं होता है, मंडे टू सैटरडे. मिनिमम टाइम जो होता है, मिनिमम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 5 आवर एवरीडे. और नॉर्मली 5 आवर एवरीडे और 2 या 3 डेज ऐसे भी होते हैं जब 6 to 7 to 8 आवर तक की क्लासेस होती हैं, राइट? इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. 5 क्लास मैथ्स की, 3 क्लास फिजिक्स की, 3 क्लास GS की, 3 क्लास इंग्लिश की, 1 क्लास बायो और केमिस्ट्री की, क्योंकि जिसका जैसा वेटेज है उसी ढंग से. दूसरी बात, आप में से कई सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर कोर्स कब तक ख़त्म हो जाएगा या कितने महीने का कोर्स है. देखिए, हम लोगों का एक बिल्कुल सिस्टम है क्लियर, कि जैसे कई जगह बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ आज बहुत डिफरेंट स्टेट के आए हैं, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह के, तो कई जगह ऐसी भी एकेडमी है जहाँ पर 2 या 3 मंथ्स का कोर्स होता है. हम लोग ऐसा नहीं रखते. ज़्यादा टाइम मिला है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सिलेक्शन के परसेंटेज हमारे बढ़े. तो अब 17 नवंबर को एग्जाम है, तो आप समझ लीजिए कि 8 अप्रैल से पहला बैच है और सेकेंड बैच हम लोग रखेंगे 20 मई को. यानी सेकेंड बैच जो है 20 मई को जो होगा वो भी 17 नवंबर तक ही चलेगा. तो अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्लासरूम कोर्स करना चाहते हैं तो क्या, नहीं आ सकते तो क्या, और दोनों के कॉम्बिनेशन कैसे होंगे. बहुत अच्छे से समझिए, जो जो चीज़ें आपने पूछी थी हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी. क्योंकि आप लोग आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम. नहीं आ सकते तो भी क्या ऑप्शन है, या लास्ट के 1 मंथ में टेस्ट सीरीज के लिए आ सकते हैं तो क्या ऑप्शन है, सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करते हैं. नंबर 1, कि क्लासरूम प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है मंडे टू सैटरडे, और एवरी संडे टेस्ट होता है. एक ये फिक्स पैटर्न है. नॉर्मली बच्चे मॉर्निंग में 8 o'clock आते हैं और लगभग रात को 8 o'clock तक एकेडमी में ही रहते हैं. जो बच्चे, क्योंकि आउटसाइडर बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, तो जब आप आते हैं तो हम लोगों के एक इम्पिटस गुरुकुल एकेडमी के 3-4 हॉस्टल हैं जिनसे टाइप है. वो है सेपरेट, पर हम लोगों ने उनसे टाइप कर रखा है. वो हॉस्टल हम सेम डे अरेंज कराते हैं. इसलिए अगर आप भोपाल क्लासरूम प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आपको केवल अपनी रिलेटेड बुक्स और कपड़े लेके ही आने हैं. बाकी आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी रहती है.
आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आके जगह देखनी है, रूम देखना है और फिर जाके लाना है, क्योंकि हम सेम डे अरेंज करते हैं। बच्चे सीधे एकेडमी में आते हैं, अपना सामान लगेज रखते हैं, मुझसे मिलते हैं, देन उसके बाद फिर वो अपना रूम फाइनल करते हैं और नेक्स्ट डे से क्लास चालू कर देते हैं, और समटाइम्स सेम डे से भी क्लास चालू करते हैं। ये हुआ क्लासरूम प्रोग्राम जो एवरी डे रहेगा अप टू 70 नवंबर। पर क्लासरूम कोर्स में जो भी बच्चा आएगा उसको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि उसका एग्जाम सेंटर उसको भोपाल ही लेना है, बिकॉज हम चाहेंगे कि जो हमारी, क्योंकि हम लोग 30 सितंबर तक सिलेबस ख़त्म करके अक्टूबर में, अभी जैसे आप देख रहे हो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ क्लास के और उसके कुछ सेशन आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक टेस्ट सीरीज चलेगा। यानी अगर कोई बच्चा अप्रैल में ज्वाइन करता है तो सोचिए कि उसके पास अप्रैल का मंथ है, मई का मंथ है, जून का मंथ है, जुलाई का मंथ है, अगस्त का मंथ है और सितंबर का मंथ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ प्योर है, उसके बाद 1.5 मंथ की टेस्ट सीरीज जिसमें रिवीजन भी होगा। यानी इतना अच्छा टाइम है कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो ये आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट समय है। अब बात आती है कि जो बच्चे मुझसे 12th वाले बात कर रहे थे कि सर क्योंकि हम क्लास 12th में हैं, क्लासरूम प्रोग्राम के लिए नहीं आ सकते, स्कूल जाना होता है, उन सभी बच्चों को, इवन जो 12th पास है उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का ऑनलाइन कोर्स भी है, जो आज की डेट में ढेरों बच्चे लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का मीनिंग समझ लीजिए पहले। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीट एक वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा पेनड्राइव में, जो ऑनलाइन रन नहीं होगा, वो किसी भी आप कंप्यूटर में अपने रन कर सकते हैं। इसमें पूरा जो कोर्स जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बना है, उस कोर्स को आप घर पर देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स कंप्लीट है, जीएस फिजिक्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो संडे टेस्ट, ये हमने अभी ऐड किया था, जो संडे टेस्ट भोपाल एकेडमी में होंगे वही टेस्ट ऑनलाइन वालों को भी एवरी संडे मिलेंगे। एक चीज, जो एकेडमी में वीकली सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करूंगा, आप उसी अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आप नहीं आ सकते तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरी बात, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से, मुझसे कई सारे बच्चों ने बोला, मैं पहले भी बोलता था और अभी हमने एक चीज़ बिल्कुल फिक्स कर दी है कि ऑनलाइन से सर हमको, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है क्लासरूम में अच्छा होगा। बिल्कुल नो डाउट, देखिए क्लासरूम में क्योंकि हम लोग फिजिकली प्रेजेंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा, पर नहीं आने की कंडीशन में ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस समझ लीजिए। ऑनलाइन में आपको सेल्फ कमिटमेंट देना पड़ेगा, मतलब अगर मैंने बोला है कि 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे ये वीडियो देखना है, 2 घंटे, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, वो सेल्फ। तो आपको वॉच करने के लिए अगर कोई है तो आप खुद ही हो, यानी आपको अपने आप को हर समय वॉच करना पड़ेगा। क्लासरूम में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं और हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ है जो कि एक्सपर्ट है, जिनके आपने सेशंस देखे भी हैं वो पढ़ाते हैं, तो ये एक चीज़ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो क्लासरूम में आ जाइए। कन्फ्यूजन है तो मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन ओपन किया हुआ है, आप ऑनलाइन कोर्स लें और कुछ दिन पढ़ें। जैसे मई में, 20 मई को सेकेंड बैच हो रहा है स्टार्ट, और अभी 8 अप्रैल वाले बैच में कुछ बच्चों ने बताया कि अभी उनके पेपर्स कंप्लीट हुए हैं, कुछ लोग बीए वगैरह में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, तो वो मैंने उनको बोला 15 अप्रैल तक, मतलब 1 वीक के अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्स लें, पेन ड्राइव लें और उससे पढ़ाई चालू कर दें, 10 दिन, 15 दिन, इवन 1 महीने पूरा पढ़ लें, 20 मई तक पढ़ लें। उसके पहले अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन या कमिटेड होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इमीजिएटली क्लासरूम कोर्स के लिए मूव करें, और उस समय जो आपने ऑनलाइन कोर्स का जो फ़ी दिया है वो क्लासरूम कोर्स की फ़ी में टोटल माइनस हो जाएगा। यानी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि सर हम लोग पूरे, क्योंकि 12th अपेयरिंग है, हमारे स्कूल में कंपलसरी जाना होगा, पर लास्ट के 1 मंथ हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन कोर्स से अक्टूबर तक पढ़ाई करें, एंड देन अक्टूबर के बाद आप अक्टूबर मिड में या अक्टूबर स्टार्टिंग में आके यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और क्विक रिवीजन क्लास ज्वाइन कर लें, यानी 1 एंड 1.5 मंथ्स वो भी एक कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी गुरुकुल के साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ सकते हैं, पर अगर आपका एम डिफेंस है तो बिल्कुल फोकस होकर इमीजिएटली एक्शन ले लें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जितने बच्चों ने मुझसे बात की उसमें जो 12th अपेयरिंग थे, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने एक ही बात बोली, क्योंकि एनडीए में नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं होते, डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक जाना है तो देना चाहिए था, उससे बहुत आइडिया लगता, पर नहीं दिया, कोई बात नहीं। और ये पेज बैच भी प्री स्टार्ट करने का रीजन यही था, क्योंकि आपको खाली नहीं रहना है, आपके पास अभी से लेके 8 अप्रैल से लेके सोचिए 17 नवंबर तक टाइम है, तो एक अच्छा समय। तो या तो आप क्लासरूम कोर्स से इमीजिएटली जुड़े, आप क्लासरूम कोर्स के लिए
आपको, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं impetusgurukul.com, कुछ बच्चे करवा चुके हैं, या ये कॉन्टैक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर है एसटीडी कोड के बाद 07554295319 या 7047832474। आप नॉर्मली इसमें मॉर्निंग 10 to evening 7 o'clock के बीच में करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर कभी कोई फ़ोन पिक नहीं करता तो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई दे देंगे। तो ये एक ऑप्शन है, एनडीए के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए सितंबर में फर्स्ट बैच था और क्लासरूम कोर्स का एक छोटा सा बैच जो स्टार्ट किया था 12th में, उसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप में से आप उन बच्चों से मिल भी चुके हो, न्यू ईयर के सेशंस भी देखें तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूंगा कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी नॉन मैथ्स वाले बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं वो भी एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है और बहुत डिटेल में। हमें सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि सिलेबस ऐसे ख़त्म हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो, आप अपना 100% दो। तो बस यही चीज़ें, देखिए केवल हमारे अकेले इनपुट से या आपके अकेले इनपुट से नहीं होगा, कॉम्बिनेशन है। तो जैसे इनपुट हम दे रहे हैं वैसे अगर आप भी अपना 100% देंगे तो बिल्कुल बात पक्की है कि आप भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, इसका आप इमीडिएटली जो भी आपकी मर्जी हो वो आप डिसीजन लें, कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे बात करें। पर मैंने आपको एक रास्ता बताया कि आप भोपाल आ सकते हैं, भोपाल नहीं आ सकते आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में प्रॉब्लम हो आप उसके बाद भोपाल आ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स वाले बच्चों को मैंने एक चीज़ कंपलसरी बोलूंगा मैं, कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो 8 अप्रैल से जो मैं आपको शेड्यूल दूंगा आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, जिससे कि अगर आप कभी बीच में आना भी चाहें तो आप आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं। अब आपका काम है कि आप इमीडिएटली प्लान करके पढ़ाई चालू कर दीजिए। एनडीए एक अच्छा एग्जाम है, एक डिसिप्लिन एग्जाम है, केवल आपको रिटर्न ही नहीं निकालना है, एसएसबी भी निकालना है। एसएसबी की एक बेसिक प्रिपरेशन हम रिटर्न टेस्ट के साथ भी करेंगे, और जब रिटर्न टेस्ट निकल जाएगा तो एक अलग से आपकी एसएसबी की ट्रेनिंग भी होगी। तो ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप सब जानना चाहते थे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करें या मुझसे बात करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा मैं जरूर बताऊंगा। और याद रखिए कि अगर आप अपने आप से, अगर आपने डिसाइड किया है डिफेंस में जाना है, ये एक कोर्स है, हो सकता है आपने कोई और कोर्स ज्वाइन किया, जो भी आपका मन हो, पर आप एक बात याद रखिए, डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है तो फिर उसी लाइन पर फोकस रहिए, जब भी पॉसिबल है कि आपको सक्सेस मिले। कोई भी बच्चा, जैसे इस बार राज पटेल बच्चे का जिसका एडमिशन सिलेक्शन हुआ, आपने अगर देखा हो, मैंने उसके साथ आपका इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू शेयर किया था, उसका 12th में 48% था। उसके बाद भी सोचिए कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर भी किया, रिटर्न भी क्लियर किया 2.5 महीने की पढ़ाई में यहीं एकेडमी में, और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ, एसएसबी भी क्रैक हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जब आप आओगे तो मैं चाहूँगा कि आप मॉर्निंग में आपका रूटीन बहुत डिसिप्लिन हो, आप मॉर्निंग 6 o'clock उठें, पहले 30 मिनट का वॉक करें, रनिंग करें, फिर उसके बाद फ्रेश होकर यहाँ पर टाइम पर आएँ, फिर दिन में लंच भी यहीं करें, रात तक रुके, यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि आपको डिफेंस में जाना है तो एक डिसिप्लिन लाइफ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। और कई बच्चों ने जब मैंने उसका इंटरव्यू शेयर किया था तो पूछा था, सर 48% का कैसे हो सकता, हम लोग खुद डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अकेडमी में बोला 60%। मैंने उनसे यही बोला, आप बताइए मुझे नोटिफिकेशन में कोई ने नहीं भेजा। याद रखिएगा एनडीए में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आप अगर 12th अच्छे परसेंट आना अच्छी बात है, लाना ही चाहिए, पर परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज क्राइटेरिया एक जो डायरेक्ट, अगर आप जैसे मान लीजिए नेवी टेक में जाते हैं तो वो आपको आईआईटी के रिजल्ट के थ्रू मिलेगा, टीएस के थ्रू जाते हैं तो आपके 12th के परसेंट देखेंगे। तो डिपेंड करता है आप किस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, पर अगर आप एनडीएनए के थ्रू जा रहे हैं तो आपके परसेंटेज 12 में मैटर नहीं करते। तो अपने आप को, अगर आपने मन बनाया है कि एनडीए की प्रिपरेशन करनी है और प्रॉपरली करनी है, तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए और एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, एक अच्छे रिजल्ट की तरफ मूव करिए और खुद को, अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।